ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसे कि हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं मुंब्रा शहर की, जिस तरह से ट्रैफिक विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट हेलमेट जो अवैध रिक्शा चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश लंबाते हैं वो जो है अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी चर्चा में भी है अपने काम को लेकर के, जिस तरह से वो लगातार ट्रैफिक जो यहाँ की है उसको और जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है लोग। हालांकि एक बात ये भी है कि कुछ लोग उनके काम से नाराजगी भले ही जाहिर कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जो उनके दफ्तर में जाते हैं उन्हें और प्रोत्साहन देते हैं इस कार्य के लिए। लेकिन हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से मुंब्रा शहर में कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से जो है वो कार्रवाई और आगे करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार कार्रवाई आप लोग करते आ रहे हैं और लोगों का आपको समर्थन भी मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके इस कार्रवाई के खिलाफ है, कह रहे हैं कि आप जो है मारपीट करते हैं और जो है कुछ अलग तरीके से आपका काम करने का स्टाइल है, तो क्या कहाँ तक सही है ये? तो देखो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, ट्रिपल शीट हेलमेट मोबाइल रिक्शा है ओवर शीट उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कार्रवाई करते हैं तो बहुत लोग इधर जमा हो जाते हैं, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, तो उसको हमको हटाना पड़ता है कि हमारे बीच कार्रवाई में रुकावट नहीं आने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन किसको ऐसा मारपीट वगैरह कुछ नहीं होता है, वो गलत है। सर, आज जो कार्रवाई आप लोगों ने यहाँ पर की तो अभी तक कितनी कार्रवाई जो है की? हमने अभी तक एक 45 गाड़ी जमा किया है, 45। सर, ऐसा भी लोगों का कहना है कि आप लोग सिर्फ दिन में कार्रवाई कर रहे हो, जो रात के समय इलीगल रिक्शा चलते हैं 7 बजे के बाद जो काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है और कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ काफ़ी ट्रैफिक, इसे कब्रस्तान है यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है, तो यहाँ पर किसी भी ट्रैफिक विभाग का कोई भी हवलदार कॉन्स्टेबल यहाँ पर रहता नहीं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या होती है। आपकी बात बराबर है। नाइट के टाइम पर मेन जो लोड है हमारा शील फाटा कल्याण फाटा वाई जंक्शन बाईपास की तरफ होता है, सिटी में इतना लोड नहीं होता है, तो हमारे मैक्सिमम लोग हम वहाँ डाइवर्ट करते हैं, इसलिए रात के टाइम पे थोड़ा इधर हमारा कार्रवाई कम हो जाता है। लेकिन वो भी हम अभी ध्यान रख रहे हैं उसका। तो क्या आने वाले समय में आपके रात के समय यहाँ पर कुछ ट्रैफिक विभाग के लोग रहेंगे? हाँ, हमारी एक टीम काम करेगी लगातार, रात को 8 से 10 बजे तक एक टीम काम करेगी, एक अधिकारी रहेगा, 4 कर्मचारी रहेंगे, वो इधर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से कार्रवाई के दौरान जिसके ऊपर आप चालान करते हैं, जिस गाड़ी बाइक जो पकड़ी जाती है, तो उसके बचाव में जो दूसरे लोग आते हैं, तो क्या उन लोगों पर भी आप लोग देखा गया कि कार्रवाई किए, लोगों को भी पकड़े हुए हैं? बराबर है, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा बिना मतलब के वीडियो शूटिंग करते हैं हम, सब उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ट्रैफिक विभाग में जिस तरह से कमी थी मानी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है अब खुलकर मुंब्रा शहर में कार्रवाई आप करेंगे, लगातार जो रिक्शा इलीगल चल रहे हैं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इसको लेकर जो है आप कहीं ना कहीं जो है चर्चा में है और इसको लेकर कुछ संस्था के लोग आज यहाँ पर आए थे जो आपको सम्मानित भी किए हैं। बराबर है, हमारी कार्रवाई इतनी अच्छी चल रही है, बहुत लोग छोटे छोटे बच्चे हम पकड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप के उनके पिताजी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक संस्था है, ये संस्था ने हमारा अच्छा हमको सम्मान किया हमारा। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं सम्मानित किया गया, लेकिन जो बीच बचाव में लोग आते हैं तो और शहर में ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं उनको लिए, कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरी सब से अपील है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक चलाने को मत देना, सब हेलमेट पहनो, गाड़ी चलाते टाइम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसलिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो दूसरी बात, हम कार्रवाई करते टाइम जो बीच में आते हैं आप बीच में आके बाधा डालने की कोशिश मत करो, आप अपना काम करो, हमको हमारा काम करने दो। हम सभी कलवा थाना के नागरिक है, हिंदू राष्ट्र सेना और अन्य अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि थाने शहर हो या मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक का जो रूल्स है वो फॉलो किया जाए। सबसे महत्व है कि हमारे रक्षक है पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हमारे ट्रैफिक पुलिस हमारे रक्षक है। अगर कोई भी सामान्य नागरिक उन्हें उन पर हाँ
हाथ उठाता है, उन पर कार्रवाई करते टाइम उन्हें रोकता है, तो वो बहुत गलत है। अगर हमारी गलती है तो वो हमें रोकेंगे, हमें उसका फाइन जो भी है भरना है, सरकारी जुर्माना भरना है, लेकिन उन पर कार्रवाई ना हो। लेकिन इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका मॉरल बढ़ाने के लिए हम सभी संगठन की तरफ से साहब को मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ जिस तरह से काम करते हैं उन्हें काम करने दिया जाए। हालांकि देखा जाता है कि जब ट्रैफिक विभाग जो यहाँ पर जैसे ही काम कर ट्रैफिक विभाग जैसे ही यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाती है, उस दौरान जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा होता है, कहीं ना कहीं जो है इनके कार्रवाई के दौरान जो है काफ़ी जो है बाधा होती है। कि जिस तरह से सुरेश लंबाते ने बताया कि हालांकि मारने की बातों से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो है इनके कार्रवाई पर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि वो जो है मारपीट करते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको और समर्थन मिल रहा है उन्हें, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर कुछ थाने से लोग आए थे, किस संस्था के लोग आए थे, उन्होंने जो ट्रैफिक विभाग में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनको लेकर जो है सुरेश लंबाते को सम्मानित भी किया गया है। लेकिन फिलहाल जो मुंब्रा शहर के लोग हैं, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो बाइक चलाते हैं उनके खिलाफ जो है ये मुहिम अब लगातार जो है जारी रहेगी। जिस तरह से इलीगल रिक्शा और बाइक जो चलाया जा रहा है अवैध तरीके से, इसको जो है इनकी मुहिम जारी रहेगी। कैमरा मैन रहना के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।